नमस्कार मंडळी, मी सिद्धेश जगडे पुन्हा एकदा स्वागत करतो देवभूमी हिमाचल मधून आपल्या मराठमोळा यूट्यूब चॅनलला वाटाड्या एक ट्रॅव्हल बडी। सो आज आपण निघालेलो आहोत शिमलावरून मनालीच्या दिशेने। आपला जो 125 किलोमीटर सॉरी 250 किलोमीटरचा हा प्रवास आहे टोटल। मागे तुम्ही बघू शकता पूर्ण असे पहाड आहेत, तर त्या पहाडातून आपण कष्ट करत करत आपण मनालीच्या दिशेने निघालो आहोत। तर आजचा प्रवास कसा आहे तो बघूया, आणि मनालीला जाऊन तिकडे मॉल रोड आणि सर अजून सॉल फॅक्टरी वगैरे आपण एक्सप्लोअर करणार आहोत आज। सो आपण ते एन्जॉय करूया। महाराष्ट्र में मुंबई, और मुंबई में एक छोटा सा गांव है, सभी को मालूम रहेगा, वहाँ से वो गांव का नाम है दादर। के इसके साथ मुझे 4 साल से मैं बिनावल फैमिली का एक हिस्सा हूँ। मेरे हॉबीज सबसे पहले तो फ्री में घूमना, अपने लोगों को घुमाना, उसे दोस्ती बनाना। और जब भी मैं मुंबई में रहता हूँ तो मेरे हॉबीज रहते हैं, मतलब क्रिकेट खेलना, उसके बाद स्विमिंग करना, फिशिंग करना, ये मेरे हॉबीज। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय नाइक। रहने के लिए मैं वसई बिरारी जगह से बिलोंग करता हूँ, और गए 10 साल से बिनावल फैमिली का मेम्बर। 2013 में बिनावल स्टार्ट हुआ था, और तब से मैं बिनावल के साथ जुड़ा हूँ, बिनावल का फाउंडर मेम्बर। और हॉबीज के बारे में अगर बताऊँ तो जैसे वक्त वैसे हॉबी, ये मैं फॉलो करता हूँ। पहली हॉबी तो आपको पता चली होगी, मुझे घुमाना और घूमना दोनों भी पसंद है, तो इसीलिए यहाँ पे हूँ। जब ऑन टूर रहता हूँ तब मेरे गेस्ट रहते हैं, और विरार जाने के बाद मेरी वसई वाली है, तो उसे घुमाना एक हॉबी है। उसी के साथ मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं होटल मैनेजमेंट के फील्ड से यहाँ पे आया हूँ। तो आज से 5 दिन हम लोग साथ में हैं। जिस दिन का खाना आपको बहुत पसंद है वो मैंने बनाया है, इसे समझ के खा लेना। जिस दिन जो पसंद नहीं है उस दिन थनके दे। उसी के साथ मुझे ओल्ड कॉइन और करेंसी कलेक्ट करना बहुत पसंद है। मेरे पास ऑलमोस्ट पूरी करेंसी कलेक्ट करके हो चुकी है। पहले मैं ऑन टूर लेके घूमता था, लेकिन अभी डर लगने लगा कहीं खो ना जाए, तो इसीलिए घर पे रखी। हिम अधिकांचल यानी बर्फ से ढका हुआ प्रदेश जिसे कहा जाता है। जनवरी 1971 में एक सेपरेट राज्य के तौर पे घोषित किया गया। अगर उसके पहले अगर आप देखोगे तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश एक ही हुआ करते थे, और शिमला उसकी राजधानी कही जाती थी। लेकिन ये तीनों राज्य डिफरेंस होने के बाद पंजाब और हरियाणा, ये दोनों को चंडीगढ़ ये उनकी राजधानी दी गई, और हिमाचल प्रदेश को शिमला। लेकिन हिमाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी दो कैपिटल, उसकी समर कैपिटल शिमला है, लेकिन उनका विंटर कैपिटल धर्मशाला है, जहाँ से वो ऑपरेट करते हैं। उसी के साथ हिमाचल प्रदेश जब 1971 में अलग किया गया, तब उसका बाउंड्री इस तरह से बनाया गया कि जितना पहाड़ों वाला एरिया है वो सब हिमाचल को दिया गया। जैसे अगर आप लोगों ने कल के दिन में देखा होगा, तो आप लोग जैसे ही पहाड़ चढ़ने स्टार्ट हो गए तभी हिमाचल का बाउंड्री स्टार्ट हो गया। वैसे ही जब हम लोग विंटर जाने वाले, आप लोग देखोगे कि जैसे ही पंजाब का बाउंड्री आएगा टोटली प्लेन सरफेस आपको देखने मिलेगा। तो इसी तरह से ही हिमाचल का बॉर्डर बनाया गया है। उसी के साथ हिमाचल जब बनाया गया तब उसे टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट में अलॉट किया गया, जिसमें से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है। लाहौल स्पीति है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट होने के कारण सबसे कम पॉपुलेशन इस डिस्ट्रिक्ट में है। अप्रोक्सीमेटली जस्ट 11,000 पीपल लाहौल स्पीति में स्टे करते हैं। ये इसीलिए है क्योंकि लाहौल स्पीति जो डेस्टिनेशन है करीबन साल के 8 महीने पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है, वहाँ पे कोई पब्लिक जा नहीं सकती, तो वहाँ पे कम पॉपुलेशन है। उसी के साथ ये जो टूर हमारा है, ये टूर में हम लोग टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करने वाले हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट सोलन था, दूसरा डिस्ट्रिक्ट शिमला था, तीसरा मंडी होगा, चौथा कुल्लू होगा, और पांचवा बिलासपुर। जिस दिन हम लोग वापिस रिटर्न बैक पंजाब की तरफ जाएंगे वो दिन का होगा। एक छठा डिस्ट्रिक्ट हम लोग जस्ट टच करके आने वाले हैं, वो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को लग के है। और जिस दिन हम लोग वो टनल विजिट करने जाने वाले हैं, तो टनल का एक पार्ट कुल्लू में है और टनल का दूसरा पार्ट लाहौल स्पीति में, तो सिर्फ जाके हम लोग वहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। उसी के साथ हिमाचल प्रदेश का अगर इनकम सोर्स के बारे में या यहाँ का रेगुलर अगर देखा जाए इनकम किस पर्पज है, तो
यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आता है टूरिज्म, हिमाचल टूरिज्म के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। उसी के साथ दूसरा नंबर आता है खेती। बेसिकली खेती के बारे में अगर कहूँ तो पूरा पहाड़ों वाला एरिया है, लेकिन यहाँ पे स्टेप फार्मिंग बहुत फेमस है। अगर आप लोगों ने पहाड़ के ऊपर देखा होगा तो आपको बहुत सारी स्टेप देखने मिलेगी, तो यहाँ पे स्टेप फार्मिंग की जाती है। हिमाचल भारत का ऐसा एक राज्य है जो जब सबसे ज़्यादा पोटैटो की, आलू की खेती करता है, और इनके जो आलू होते हैं ये मेनली कितने कितने चिप्स आप खाते हो ये सभी चिप्स कंपनियों को इनके आलू चले जाते हैं, क्योंकि इनके आलू की जो साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली 500 ग्राम वन पीस, इतना बड़ा आलू आता है। उसी के साथ ये जो आलू होते हैं उनके सॉल्ट का मात्रा ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे खेती में जो आलू होता है वो चिप्स के लिए यूजफुल माना जाता है। उसी के साथ अभी जो फिलहाल आपको सीजन देखने मिलेगा वो सरसों का है, जो येलो फ्लावर्स आते हैं ना राई, तो उसका सीजन फिलहाल चल रहा है। उसी के साथ बासमती राइस और बहुत सारे वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स का खेती यहाँ पे किया जाता है। हिमाचल को फ्रूट स्टेट ऑफ फ्रूट बास्केट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रूट्स देखने मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है एप्पल। हिमाचल बेसिकली दो वेराइटी ऑफ एप्पल्स का खेती करता है, एक है रॉयल एप्पल और दूसरा है गोल्डन एप्पल। रॉयल एप्पल जो कि रेड एप्पल हम लोग खाते हैं उसे रॉयल एप्पल यहाँ पे कहा जाता है, और गोल्डन एप्पल जनरली गोल्डन एप्पल हम लोगों को बहुत कम देखने मिलता है, या मैं ऐसे कहूँगा कि महाराष्ट्र में हम लोग बहुत कम खाते हैं, क्योंकि गोल्डन एप्पल जो है वो ग्रीन एप्पल का एक वेराइटी है, लेकिन वो येलोइश कलर में आता है। अगर आप लोग अभी ट्रैवल कर रहे हो, आप लोग फ्रूट स्टॉल अगर देखोगे तो वहाँ पे आपको ग्रीन एप्पल, गोल्डन कलर का एप्पल देखने मिलेगा। तो ये जो गोल्डन एप्पल है ये यहाँ की बहुत फेमस वेराइटी है और सबसे बेस्ट वेराइटी है। उसी के साथ यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि प्लम होता है, पीच होता है, पेयर होता है, नाशपाती होता है, चेरी होता है। तो इनके अलग अलग सीज़न होते हैं, जैसे एप्पल और पेच पेरू और ये सब का सीज़न जो होता है वो सितंबर अक्टूबर अगस्त से लेकर सितंबर तक वो ख़त्म हो जाता है, और चेरी का सीज़न सिर्फ एक महीना चलता है, क्योंकि मई महीने में वो चिप आती है। उसी के साथ हिमाचल अखरोट और बादाम ये दोनों का भी खेती यहाँ पे होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे एप्पल के सीज़न में अगर आप देखोगे तो जो अगस्त का सीज़न या सितंबर का सीज़न है वो सीज़न में यहाँ पे एप्पल 20 और 25 रुपीज़ के जी में सेल किए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 150-200 के नीचे नहीं आएंगे। और जो एप्पल बेसिकली हम लोग खाते हैं वो करीबन 30 डेज पुराने होते हैं। ठीक है, हम लोग कोई भी फ्रेश एप्पल नहीं खाते। आपको कितना भी कहा जाए कि आप लोग फ्रेश एप्पल खा रहे हो, वो एप्पल फ्रेश नहीं होता है, क्योंकि एप्पल का एक प्रोसेस होता है। जैसे कि यहाँ पे पेड़ के ऊपर एप्पल लगने के बाद वो एप्पल पूरे एक साथ निकाले जाते हैं, उसका बाइफर्केट किया जाता है। बाइफर्केट करने के बाद यहाँ से बाई रोड उसे अम्बाला लेके जाते हैं, और अम्बाला से मुंबई वाशी मार्केट MPMC में चला जाता है, और वहाँ से पूरे महाराष्ट्र में डिवाइड किया जाता है। तो ये प्रोसेस के लिए टोटल 30 डेज का टाइम लगता है। तो हम लोग कोई भी फ्रेश एप्पल, जो कि हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि फ्रेश एप्पल है, तो कोई भी नहीं खाता है। ठीक है, एप्पल बेसिकली तीन स्टेट सबसे ज़्यादा तीन डिस्ट्रिक्ट के आगे प्रोड्यूस करते हैं। सर, एक है शिमला, दूसरा है कुल्लू और तीसरा है किन्नौर, और इसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का अगर एप्पल कोई है तो वो किन्नौरी एप्पल। जैसे कि आप लोगों ने आपके यहाँ का फ्रूट वाले को बताते हुए सुना होगा कि वो हर बार कहते हैं कि किन्नौर वाला एप्पल है, तो वो सबसे टेस्ट में बेस्ट होता है। और अभी अभी फिलहाल चौथा डिस्ट्रिक्ट इसमें ज्वाइन हुआ है वो है स्पीति डिस्ट्रिक्ट। स्पीति वैसे तो डेजर्ट एरिया है, लेकिन उन्होंने पहाड़ों के बीच में मिट्टी डाल के वहाँ पे एप्पल का प्रोडक्शन फिलहाल चालू किया है, और अभी ऐसे कहा जाता है कि स्पीति का जो एप्पल है वो सबसे बेस्ट एप्पल है। ये इसीलिए क्योंकि वो स्वीट होता है, बहुत मीठा होता है, क्योंकि पानी का वहाँ पे कोई भी सोर्स नहीं है, तो इसलिए वो एप्पल जो है वो सबसे स्वीट माना जाता है। ठीक है, तो बाकी और बातें हिमाचल के बारे में मैं आपको बताते जाऊँगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे। तो ये था हिमाचल के बारे में। दिल दीवाने
एक पहाड़ी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है चौक। ओके, अभी आपके सामने की तरफ रास्ता जो जा रहा है वो है NH-21 जो कि चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए जा रहा है। और जब भी हम लोग ब्रिज पे जाएंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो रास्ता जा रहा है वो है NH-88 जो कि धर्मशाला और डलहौजी के लिए जाता है। और अभी हम लोग जिस रास्ते से जाने वाले हैं वो है NH-21 जो कि आगे जाके NH-03 हो जाता है। यहाँ पे जो है ये ब्रिज पे दो नेशनल हाईवे जो है एक दूसरे में क्रॉस हो जाते हैं, क्योंकि ये जो रोड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इंडिया के लिए स्पेशल। क्योंकि जब एक कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, तभी जो भी मतलब कारगिल के लिए दूसरा रास्ता था श्रीनगर से जाने वाला, वहाँ पे जो जवाहर टनल वाला रोड था वहाँ पे पाकिस्तान के फौज ने ब्लास्ट किया था। उसके बाद में जितनी भी हमारी आर्मी जो है वो यहाँ से लेके कारगिल तक इसी रास्ते से गई। ये जो रास्ता है ये यहाँ से मंडी के बाद कुल्लू, कुल्लू के बाद मनाली होके बाद में रोहतांग पास, केलांग, उसके बाद में लेह लद्दाख और कारगिल के लिए जाते हैं। इसे हाईएस्ट मोटरेबल पास भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी मतलब कारगिल के यहाँ पे जाने के लिए कारदुंगला पास जो है इंडिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास, वो ये रास्ते से जाते हैं। ये जो है SCC सीमेंट फैक्ट्री का सबसे बड़ा जो प्लांट है वो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे है। ये गांव का नाम है बरमाना, इसे बरमाना सीमेंट फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट्री यहाँ होने के पीछे एक रीजन है कि यहाँ से बाजू में ही सतलज रिवर जो है वो बहती है, और सीमेंट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है क्योंकि तो लाइमस्टोन से कहा जाता है वो यहाँ नदी के किनारे पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, इसलिए ये फैक्ट्री जो है वो यहाँ पे है। और एक यहाँ पे बहुत सारे मतलब सीमेंट जो कंपनीज है वो हिमाचल प्रदेश में है। जैसे कि हम लोग आ रहे थे जब ही शिमला से निकले, थोड़ी टाइम के बाद वहाँ पे अंबुजा सीमेंट की भी फैक्ट्री है। क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखना है आपको सतलज रिवर जो है वो दिखाई देगी। सतलज रिवर जो है उसका उद्गम स्थान जो है वो मानस सरोवर के पीछे रावल तल इस गाँव से वो बहती है, और उसके साथ ये यहाँ से बहते बहते बाद में पंजाब से पाकिस्तान जाती है। लेकिन वहाँ पे पंजाब में इस रिवर के ऊपर बहुत बड़ा डैम जो कि सबसे इंडिया का सबसे बड़ा डैम है भाखड़ा नांगल, वो बांध के इसका पानी जो है वो रोक दिया है, और बाकी पानी जो है वो पंजाब में कैनल के माध्यम से भेजा जाता है। क्योंकि अभी आप जैसे आगे जाओगे आपको लेफ्ट हैंड साइड सतलज रिवर जो है उसका व्यू अच्छे से दिखाई देगा। सामने की तरफ आपको सीमेंट के ब्लॉक्स नजर आए, ब्लॉक दिखाई सतलज ब्यास लिंक प्रोजेक्ट, यानी कि सतलज और ब्यास का आर्टिफिशियल संगम है। जो सामने की तरफ रिवर आ रही है वो है सतलज रिवर, और जो ब्लॉक में से पानी आ रहा है वो है ब्यास रिवर का पानी। जब भी पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई, तभी सतलज रिवर का पानी जो है वो कम पड़ने लगा, इसीलिए ब्यास रिवर का पानी पंडोर डैम है आगे वहाँ पे अड़ाया गया ब्यास रिवर का पानी। उसके बाद में ये पानी छोड़ा गया और 12-13 किलोमीटर का एक टनल, उसके बाद में 13 किलोमीटर का एक कैनल, और फिर से 13 किलोमीटर का टनल, इस तरह से जो पानी है वो सतलज रिवर को पिलाया गया। इसीलिए आप देख सकते हो कि पंजाब में 12 महीने फार्मिंग की जाती है। ओके, जो कैनल जो है वो सुंदर नगर इस गाँव में है, वो आगे जाने के बाद लोग देखेंगे। तो मित्रांनो, आपण इथे आता लंचसाठी थांबलेलो आहोत, तिथून लंच करून आपण पुढे मनालीसाठी जाणार आहोत। सो मित्रांनो, आता आपलं जेवण वगैरे झालं सर्व, सो आता आपण मनालीसाठी परत पुढे चाललेलो आहोत, पुढे प्रवास करूया। आता 125 किलोमीटरचा प्रवास बाकी आहे, तो पूर्ण करून आपण मनालीमध्ये भेटूया। रोहतांग पास, व्यास कुंड आहे, वहां से वो स्टार्ट होते हैं।
डैम आपको दिखाई देगा। मुझे अभी उसका एक डोर जो है खोल के रखा हुआ। रहेगा व्हाइट कलर में पूरा हड्डू की माता का नहीं बनता ये पता, यानी कि जैसे कि घाट में घाट देवी होती है हर घाट में, उसी तरह यहाँ पे भी है घाट देवी, उसका नाम है हड्डू। हड्डू यानी कि पानी को जो डालती है उसे हड्डू के कहते हैं, इसके लिए हड्डू की है नाम है इस माता का नाम। वो माउंटेन में सामने वाले माउंटेन में जो आपको रेड एंड व्हाइट कलर में जो टेम्पल दिख रहा है वो है वैष्णव वाला रहेगा, फिर मतलब शटल रहेगा, इसको शटल बोलते हैं। जैसे कोई इसमें कोई मतलब कोई धारी दाना हो या प्लेन दाना हो तो इसका काम होगा, इस तरह यूज होता है। जैसे गांव के लोग भेड़ बकरियां पालते हैं, याक वगैरह पालते हैं, रेबिट वगैरह पालते हैं, वो सारा मतलब वो बोलन में क्या नाम करते हैं, वो लोग गोल वगैरह निकालते हैं, फिर उनको प्रॉफिट हो जाता है गोल वगैरह बेचकर सोसाइटी को। जैसे अलग अलग काम करेगा, जैसे कुछ लोग भेड़ बकरे पालेंगे, कोई रैबिट पालेगा, याक वगैरह पालेगा, कोई कुछ लोग ऐसा डिज़ाइन तैयार करेगा, कोई घुमाएगा मफलर घुमाएगा, कोई कारपेट का वो डिज़ाइन तैयार करेगा, इस तरह से हज़ारों लोग इस सोसाइटी में जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग तरीके अलग अलग तरह से काम करते हैं इसमें सब लोगों से, जिस बात नहीं आई कि सारा कट क्या नाम होता है, जो ये वाला रहता है ताना बना रहता है इसका, जैसा ये जो नीचे ना जो बना हुआ है इसको ताना बना रहता है, ये बना हुआ रहेगा ये, इसके लिए मतलब ट्रेनिंग होता है इसका, पहले 6 महीने का इसका ट्रेनिंग होगा,
फिर मतलब उसको ग्राफ में बनाते हैं तो डिजाइन आता है, फिर बनाते बनाते मतलब कारीगर लोग अपने मतलब एक्सपीरियंस में आ जाते हैं कि जो काम रोज करेंगे वो तो अपने आप कभी ना कभी आ जाता है मतलब, और मतलब ग्राफ को बनाने के बाद कंटिन्यू बनाने के बाद अपने आप सेट हो जाता है माइंड की इस तरह धागा छोड़ के इस तरह का डिजाइन बनाते हैं, इस धागा को छोड़ के इस तरह का डिजाइन तैयार करते हैं। आपली सेकंड थर्ड अँड फोर्थ डे साठीची रूम आहे, इथे वॉशरूम आहे, या साईडला टी व्ही आहे, त्याचबरोबर इथे क्वीन साईज बेड आहे, टी मेकर आहे इथे, आणि दोन चेअर्स, आणि इथून ना मनाली रोडचा व्ह्यू आहे। मित्रांनो आपण आता आलेलो मनालीला, मनाली रोहतांग हाइट्स करून जे हॉटेल आहे तुम्हाला जा सांगितलं तसं तिथेच आलेलो आहोत। टोटल ऍक्च्युअली टेम्परेचर खूप डाऊन झालेलं आहे, -3 त्याच्यामुळे तुम्ही बघू शकता पूर्ण स्वेटर आणि कानटोपी सगळं घालून बसायला लागते। सो टोटल आपण आज व्हिडिओमध्ये काय जे तुम्ही बघितलं ते तुम्हाला सांगतो। त्याच्यामध्ये आपण आज बघितलं सतलज प्रोजेक्ट होता तो बघितला, त्याच्यानंतर पांडो डॅम होता, त्याच्यानंतर कुलू व्हॅली जो प्रोजेक्ट आहे ते मीन्स जे आपली व्हॅली जी आहे त्याच्यातून नदी जाते ते आपण बघितलं आज पूर्ण याच्यामध्ये। सो अशा प्रकारे आजचा आपला सेकंड डे होता जिथे आपण मनालीमध्ये आलो आहोत। उद्या आपण स्नो मध्ये खेळण्यासाठी जाणार आहोत, तर त्याची मजा वेगळी आहे, त्याच्यामध्ये एक्साइटमेंट भरपूर आहे। सो असेच आपली ही जी सिरीज आहे ती बघत राहा, आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, आणि चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका। धन्यवाद।